नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डीएलएड के इंग्लिश विषय के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितने नंबर का पेपर होता है, कितने देर का होता है और कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होते हैं। तो इसमें 25 नंबर के पेपर पूछे जाते हैं जो कि 1 घंटे में होते हैं, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 क्वेश्चन तथा 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तथा 7 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के होते हैं, जो पूरे 18 होते हैं। इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 नंबर के, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 नंबर के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, जो कि पूरे 25 नंबर के होते हैं। डीएलएड में 50% अंक पाना अनिवार्य होता है, जो कि लगभग 12.5 नंबर होगा, यानी कि 13 नंबर पाना अनिवार्य होगा, नहीं तो इंग्लिश में किसी भी विषय में बैक लग सकता है। तो हम आज इसके विषय सूची के बारे में बात कर लेते हैं, तो कितने कितने विषय, कितने कितने चैप्टर हमें पढ़ना है। तो इसमें कुल 20 चैप्टर पढ़ना है। पहला है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, दूसरा है लैंग्वेज गेम, तीसरा है कन्वर्सेशन, चौथा है अल्फ़ाबेट, पांचवा आर्टिकल, छठवां नंबर एंड नंबर नेम, सातवां है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल, आठवां है इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, नौवां है टीचिंग ऑफ पोएट्री, दसवां है ग्रामर, 11 है प्रोनाउंसिएशन, 12वां है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन विवा वॉइस कंपोजिशन, 13 ग्लोसरी, 14 कॉमन एरर इन इंग्लिश, 15 है इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लान, 16 है लेसन प्लान ऑफ प्रोज, 17 है लेसन प्लान ऑफ पोएट्री, 18 है लेसन प्लान ऑफ स्ट्रक्चर, 19 है लेसन प्लान ऑफ कंपोजिशन, 20 है लेसन प्लान बेस्ड ऑन पेडोलॉजी। तो हम आप लोगों के लिए एक किताब, इसका किताब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, जो कि आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसा कि सभी के लोगों के पास हमेशा पैसा नहीं रहता और इस समय किताब भी नहीं मिल रही है, और आप लोग जिसको पढ़ना होगा किताब से वो डाउनलोड कर सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक।